असलकम एवरी वन वेलकम टू फार्मी जर्नी मैं हूँ सुबैया अवशेष एक फॉम डी स्टूडेंट आज हम बात करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया फॉर फार्म डी फार्मी इससे पहले हम बात करते हैं फार्म डी क्या होता है फार्म डी बेसिकली छः साल का होता है पाँच साल रेजिडेंसी स्टडी होती है और वन ईयर इंटर्नशिप होती है और उसी के साथ हम एलिजिबिलिटी uh, क्राइटेरिया की बात कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आपको टेन प्लस टू एजुकेशन चाहिए विद साइंस स्ट्री जैसे कि आपको सब्जेक्ट्स चाहिए लाइक मैंडेटरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ये ऑप्शनल होता है अगर आपका अगर मैथमेटिक्स भी है तो आपका एडमिशन हो जाता है और उसके बाद लाइक अदर्स जो यूनिवर्सिटीज होती है एडमिशन के लिए फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंटेज मांगती है कि लाइक आपको फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट अगर स्कोर आपका है तो आप उसके अंदर इजीली एडमिशन ले सकते हो और इसके आ, मतलब जब आपको एंट्रेंस एग्जाम मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं लाइक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर बेज होते हैं आ, और महाराष्ट्र की बात किया जाए तो उसके अंदर सी और नीट के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो और इसके अंदर एज लिमिट है सत्रह से पच्चीस तारीख की इतने एज लिमिट मतलब ये आपकी एक अच्छी एज मानी जाती है कि आप इसमें आप एंट्रेंस uh, एग्ज़ाम क्लियर करके आप एडमिशन ले सकते हो और फार्म डी के बाद आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं लाइक आप एकेडमिक्स आप, आप, और आपको आफ्टर फार्म डी आप एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो और अगर अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आ, मतलब सारी चीजें हम अच्छे से एक अलग वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बट आई थिंक इट्स ये सारी चीज़ें